देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट सिविक्स, चैप्टर फोर की समरी का एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। चैप्टर नेम है ग्रोविंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, यानी बॉयज और गर्ल्स बड़े होते हुए। अब इसकी समरी में समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है बॉयज गर्ल्स, या मैं कहूँ मैन और वुमेन में, तो वो इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि उसके कार्य भी जो हैं वुमेन्स के, ज़्यादातर कार्य घरेलू कार्य होते हैं, लड़कियों के कार्य घरेलू वर्क ज़्यादा होते हैं, और उनको बाहर जाने पर भी पाबंदी है। तो ये भेदभाव हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में है। तो उसी के बेस पर ये चैप्टर जो सिविक्स का बॉयज और गर्ल्स के डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, वो दिया गया है। देखो बेटा, आई आवर सोसाइटी डिफरेंट रोल्स एंड असाइंड टू बॉयज एंड गर्ल्स। हमारी सोसाइटी में अलग रोल हैं, आर असाइंड टू बॉयज और गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स के बारे में, ऑल सोसाइटीज डू नॉट लुक ए बॉयज एंड ए गर्ल इन द सेम वे। हमारे समाज में सभी लोग बॉयज और गर्ल्स को एक नज़र से नहीं देखते हैं, यानी बॉयज को ज़्यादा राइट्स हैं, गर्ल्स को कम है। समाज के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑल पीपल आर इक्वल। अवर सोसाइटी मेक्स ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। हमारे समाज में क्लियर डिस्टिंक्शन है, अंतर है बिटवीन बॉयज और गर्ल्स में। बॉयज और गर्ल्स में हमारे समाज में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। मैन और वुमेन के सेम स्टेटस नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं ओरली बता रहा हूँ कि जैसे मार्केट से सामान परचेज करना है, तो इट इज़ प्योरिटी फॉर द मेल पर्सन, इट नॉट गिवन द दिस ड्यूटी ऑफ द फीमेल पर्सन, बिकॉज आवर सोसाइटी से दैट कि मेल आर द स्ट्रोंगर देन द लेडीज। मतलब इसलिए कि मैन को स्ट्रोंग माना जाता है अकॉर्डिंग लेडी के, बट इट इज द रॉन्ग। तो मैन और वुमेन को सेम स्टेटस नहीं दिया गया है। मैंने फॉर एग्जांपल ओरली बताया भी आपको। अब द वर्क ऑफ वुमेन इज कंसिडर्ड लेस वैल्यूबल एज कंपेयर टू ए मैन। फॉर एग्जांपल, देखो कुछ वर्क हैं जिनको औरतों को ही करने के लिए दिया गया है, क्योंकि वो वर्क लेस वैल्यूबल है, ज़्यादा कीमती नहीं है वो कार्य, या ज़्यादा वैल्यू नहीं उन कार्यों की, एज कम्पेयर टू ए मैन। फॉर एग्जाम्पल, यानी कंपेयर किससे किया गया है, किसी आदमी से। जैसे एग्जाम्पल है ए वैल्यूइंग हाउस वर्क, जैसे घर के कार्य, लिव्ज वैल्यूइंग हाउस वर्क यानी घर के कार्य, लिव्ज डोमेस्टिक वर्कर्स यानी जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो एक यानी मजदूरों से जो कार्य करवाए जाते हैं, वो कार्य लेडीजों से करवाए जाते हैं। तो इट इज द डिफरेंस। जैसे हम यहाँ पे ऑफिसों में लेडीज और जेंट्स वर्क करते हैं, बट वहाँ भी उनको सिमिलर वैल्यू
के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाता है। तो मींस बहुत बड़ी पाबंदियां हैं लेडीज के ऊपर या मेल के फीमेल के ऊपर, बट मेल आर द फ्री, इट इज ओनली फॉर मेल। फिर बार बार कह रहा हूँ ये सिर्फ सोशल डिफरेंस है, समाज के कारण है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा, हमारे संविधान में ऑल आर द इक्वल। अब हम यहाँ पे देखें वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, औरतों के कार्य और इक्वलिटी समानताएं। इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टिल देयर इज इन इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेज इन आवर सोसाइटी। देखो इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, समानता एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे संविधान का, बट स्टिल है देयर, बट वहाँ पे वो झलकता नहीं है। संविधान में सब कुछ प्रॉपर इक्वलिटी के अकॉर्डिंग लिखा है कि जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, ऑल आर द हैव सिमिलर राइट्स। इज इन द इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेज इन अवर सोसाइटी, तो बट हमारे समाज में इनइक्वलिटी है, संविधान में नहीं है। जैसे सो अब उसके एवज में भी गवर्नमेंट हेल्प भी करती है, सो गवर्नमेंट प्रोवाइड मैनी हेल्प एंड मेड प्रोविजंस, इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प प्रदान की है और काफ़ी प्रोविजंस निकाले, काफ़ी अलग अलग तरह के वर्क किए हैं उन लेडीजों के लिए या मेल फीमेल्स के लिए। फॉर एग्जांपल हेल्प्स मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट, ये होते हैं आउटसाइड कि बहुत सी औरतों को एम्प्लॉयमेंट रोजगार दिलाने में बहुत ज़्यादा सहायता की है घर के बाहर। जैसे बी हेल्प्स मैनी गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स, काफ़ी लड़कियों को स्कूल अटेंड कराने में सहायता की है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज, गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ीज खोल रखी है। अब आंगनवाड़ीज क्या है, इसको हम चाइल्ड केयर सेंटर भी कह सकते हैं, और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेज वेयर देयर एम्प्लॉयज टेक प्रॉपर केयर ऑफ द चिल्ड्रन। देखो आंगनवाड़ीज का मैं बता देता हूँ कि एक वह प्लेस है जो एक मिनी स्कूल है जहाँ पे बच्चों को खाना भी दिया जाता है और पढ़ाई भी की जाती है, यानी प्रॉपर वे में उस सेंटर पर बच्चों की देखभाल होती है। और ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया अनुसंधान है जिसमें सिर्फ ओनली लेडीजों को ही वहाँ उस आंगनवाड़ीज में नियुक्ति दी है, वही छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हेल्प है गवर्नमेंट का एक लेडीज के लिए, तो लेडीज ने काफ़ी हेल्प की है। अब इसके बाद की टर्म्स, कुछ टफ वर्ड आए इसमें, उसका एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। आइडेंटिटी, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी जो कुछ जो लोगो है वो आइडेंटिटी में काम आती है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, कि मैं डॉक्टर हूँ, कि मैं कोई फैक्ट्री वर्कर हूँ, तो ये एक अलग आइडेंटिटी सेल्फ अवेयरनेस है अपना क्या है उसके लिए यूज होती है। डबल बर्डन डबल वर्क, यानी डबल बर्डन इसका मतलब डबल वर्क, कि एक व्यक्ति दो कार्य करता है। और अपने चैप्टर में जैसे लेडीज हैं हाउस होल्ड घर का काम भी करती हैं, साथ में खेतों का भी काम करती हैं, तो उनके पास डबल बर्डन हो गया, अर्ली मॉर्निंग वेकअप एंड डू द हाउस होल्ड वर्क, आफ्टर दैट गो टू द फील्ड एंड दे डू वर्क देयर
अप टू इवनिंग, आफ्टर दैट कम इन हाउस एंड डू द हाउस होल्ड वर्क, लाइक जैसे खाना बनाना है, यानी पहले तो जल्दी जगें, घर का काम करें, फिर खेतों में भी जाएं, फिर वापस आकर फिर घर का काम करें, तो ये डबल बर्डन है। तो डबल वर्क यानी डबल वर्क, केयर गिविंग टेक केयर ऑफ द पीपल, यानी केयर गिविंग लोगों के द्वारा सुरक्षा यानी किसी की देखभाल करना, स्ट्रेनियस वेरी टच एंड डिफिकल्ट, स्ट्रेनियस मीन्स बहुत कठिन या टफ वर्क के लिए स्ट्रेनियस वर्ड काम में आता है, जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल, यानी जेंडर मीन्स पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है जेंडर, एंड डिस्क्रिमिनेशन अनइक्वल अनइक्वल यानी अनइक्वलिटी, समाज में भेदभाव ये भी लिख सकते हैं इसमें, भेदभाव अनइक्वल। तो डियर स्टूडेंट आई एक्सप्लेन द समरी ऑफ दिस चैप्टर, आई होप दैट कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ अनइक्वलिटी के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, बट उनका मीन्स जो मैंने बताया है, सबका अर्थ जो मैंने निकलेगा वो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही है। तो आई होप दैट यू डू द ऑल होमवर्क इन ए प्रॉपर हैंड राइटिंग, डू एट योर होम एंड अकॉर्डिंग लॉकडाउन, अकॉर्डिंग कोरोना वायरस, यू आर गुड हेल्थ वाइज एट योर होम विद योर पेरेंट्स, एंड आई होप दैट यू हैव एनी डाउट यू कन्वे द मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं आप लोगों के पास, आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप मैसेज भेज सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। जो यू हैव एनी डाउट यू कन्वे द मैसेज इन माई मोबाइल नंबर और स्कूल मोबाइल नंबर, आफ्टर दैट आई जो भी आपकी प्रॉब्लम है आई सॉल्व इट। थैंक यू।